ये सर रविंद्र जी, बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन पर आपकी क्या रहेगी? क्योंकि हमने देखा है कि जो पिछले सत्र का जो प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो कम हो गया है पहले से भी ज़्यादा, और अब आने वाले सीजन का जो अनुमान है वो ज़्यादा लगाया जा रहा है क्रॉप का, कॉटन क्रॉप का, अच्छे मानसून के चलते। तो दोनों की प्रोडक्शन के अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो आपकी क्या राय है, कॉटन में आगे तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, कॉटन में दिसंबर के राउंड में करेक्शन आनी चाहिए क्योंकि उसी टाइम पे इसका अराइवल सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी चांसेस यही है कि दिसंबर तक फर्दर इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ रहेगी मार्केट में, और उसके बाद में चांसेस है कि वहां से अगर अराइवल्स जो है वो थोड़े हायर साइड देखने को मिलते हैं तो इसमें करेक्शन रहेगी। लेकिन अगर अराइवल्स एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं रहते हैं तो चांसेस है कि फर्दर इसमें अपसाइड ही देखने को मिलेगा। क्योंकि US कॉटन की बात करें तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि चाइना से उन्होंने कॉटन जो इंपोर्ट है वो बंद करा है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, और वही हमारे MCX कॉटन पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अभी इमीडिएट बेसिस पे कॉटन प्राइसेस 34,000 की तरफ मूव कर सकते हैं, सपोर्ट रहेगा इसका 32,300 के आसपास जी।